देखे सेनावर हमारी अंधी बेटी से कौन शादी रचाएगा। देखे महाराज अगर अगर ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो जोड़ा कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा। ठीक है लेकिन जाओ जाओ हमारे पूरे परिवार को बुला दीजिए, मैं उनसे भी कुछ राय मशवरा ले लूं। ठीक है महाराज सुनिए मेरी बात को। हर तो बैठो महल में राजन महाराज, हर तो बैठो महल में राजन। अरे हुक्म को मैं बजाता हूँ, बैठो महल आपके दोनों बच्चों को महाराज, और आपके दोनों बच्चों को और बुला करके मैं लाता हूँ, आपके दोनों बच्चों श्यामलाल इधर आ और सुन मेरी बात को। तो जा जल्दी महाराजा साहब के पूरे परिवार को दरबार में पेश करो। पिताजी आज आज मैं ये देख रहा हूँ कि जो चेहरा हमेशा फूलों की तरह खिला रहता था आज इतना गमगीन कैसे नजर आ रहा है पिताजी। अरे पिताजी अरे बात है कैसी अस्मिया आखिर कुछ तो मात्रा बतलाइए। सुनिए बेटा जब आप पूछ ले तो ध्यान देकर सुनिए। ठीक है आप बतलाइए क्या कहना चाहते हैं।
बेटा अफसानी हो चुकी है और रात दिन इसी के चिंता में लगा रहता है कि इसका जीवन किस तरह से कटेगा। बेटा नहीं नहीं पिताजी, इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है पिताजी। अरे पिताजी, अरे धूप से बहना पिताजी, अरे पिताजी और बड़ी धूम से रुखसत करूंगा। लेकिन आप मेरे सहारे हैं, मेरे आंखों के तारे हैं पिताजी, आप इतना चिंता मत कीजिए पिताजी। तो सुनिए बेटा, मेरा भी एक फैसला रहे, ठीक है? हमारी इतराज नहीं है पिताजी। लेकिन फूल सिंह हमें इतराज है। क्या तुम्हें किस बात के लिए इतराज है? राजन, हमें इस बात का इतराज है, आधा रात तुम बेटी को दे दोगे तो मेरा बेटा कौशल क्या करेगा? अरे बगली, आधा अगर वो भी लड़का होता तो उसका भी हिस्सा होता, वो बेटी है और वो आपकी है। इसलिए अगर उसका जीवन कोई पार कर दे तो क्या तुझे बुराई है? राजन, हमें सत्य नहीं मंजूर है। क्यों नहीं मंजूर है रानी?
ये राज मेरा है और मेरा ही फैसला अटल रहेगा। ये बात ठीक है भाई, राज आपका है, आप जाने आपका काम, लेकिन आप यहाँ से जाइए, मैं रेखा से कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, रेखा तुम्हारी बेटी है और तुम उसकी माँ हो। हाँ राजा, चार बार क्या है उसे बातें कर लो। ठीक है, आप लोग जाइए। बेटा बोल। जी पिताजी। चलिए हम लोग चला जाए, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन से कुछ बातें करना चाहिए। ठीक है, शीघ्र ही चलिए पिताजी। चलिए बेटा।